नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। शरद पवार का पीएम पर तंज, कहा जिसे परिवार का अनुभव नहीं वह मेरे परिवार पर कह रहा है टिप्पणियां। लगातार दूसरी बार चीन के बीआरआई समिट का न्योता भारत ने ठुकराया। प्रियंका गांधी के चुनावी अभियान की चर्चा तो खूब, लेकिन क्या वह वोटों में बदल पाएगा? अब खबरें विस्तार से। चुनावी मौसम में राजनेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने परिवार के सदस्यों के बीच कथित विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना पर पलटवार किया है। पवार ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की ओर से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जिसे परिवार का अनुभव तक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो वह ठीक है, लेकिन चुनाव के दौरान उम्मीद हो जाती है। शरद पवार शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पवार परिवार पर एकजुट नहीं है। भारत ने चीन की तरफ से मिले दूसरे बेल्ट एंड रोड फॉरम को निमंत्रण ठुकरा दिया है। यह मीटिंग इसी महीने होने वाली है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। भारत ने ऐसा दूसरी बार किया है जब चीन के बेल्ट एंड रोड का फॉरम का न्योता ठुकरा दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार से पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में चुनावी रैली करने वाली है। प्रियंका अयोध्या से चुनावी प्रचार शुरू करने के बाद गाजियाबाद और फतेहपुर भी गई और वहाँ उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। वह बड़ी रैलियों और मेगा शो के बजाय छोटी छोटी जनसभा करने लोगों को साथ रही है। उनका यह अंदाज वोटरों को पसंद आ रहा है, लेकिन क्या उनके चुनाव प्रचार की चर्चा वोटों में बदल पाएगी? आदिलपुर गांव से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला निशाना साधा और उनके दुनिया भर में चक्कर लगाने के साथ डिप्लोमेसी पर तंज कसा था। उनका आरोप था कि पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र के गांव वालों से पिछले 5 साल में मुलाकात तक नहीं की। इसके बाद उन्होंने अगले 10 मिनट तक कांग्रेस की न्याय योजना के बारे में समझाया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।